सुप्रभात। इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत। बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड के अंदर पिछले वीडियो में अपन ने संकरण के बारे में अध्ययन किया। इसी कड़ी में पादप प्रजनन की जो नेक्स्ट मेथड है, जिसके बारे में इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे, वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिसे अपन हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, अर्थात उत्परिवर्तन एक ऐसा अचानक होने वाला परिवर्तन है जो वंशानुगत होता है, और ये अनुवंशिक पदार्थ के अंदर होता है जो आगे से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होता रहता है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन किस प्रकार पादप प्रजनन के लिए उपयोगी है, इसके बारे में अपन इसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी उत्परिवर्तन होते रहते हैं प्रकृति के अंदर, वो अधिकांश उत्परिवर्तन सामान्यतः हानिकारक और अप्रभावी होते हैं, अर्थात जिनका ज़्यादा कोई उपयोग नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। और अप्रभावी का मतलब वो समयुग्मजी अवस्था में आने पर ही प्रकट होते हैं, विषमयुग्मजी में नहीं। अधिकांश का कोई व्यावसायिक महत्व नहीं होता, लेकिन इसमें एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, गस्टाफसन, उन्होंने बताया था कि 1000 जो प्रेरित उत्परिवर्तन है उसमें से 1 से भी कम उत्परिवर्तन पादप प्रजनन में उपयोगी रहते हैं। अब उत्परिवर्तन प्रजनन है, उसके द्वारा पादपों में बहुत ही उपयोगी गुणों का समावेश संभव हो सकता है। उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा पहले फसली पादपों के अंदर उत्परिवर्तन किया जाता है, और उस उत्परिवर्तन के द्वारा उसमें पादपों की इच्छित किस्में उत्पन्न की जाती है, जैसा अपन चाहते हैं उसके अंदर, जैसे रोग प्रतिरोधी गुण हो, चाहे उसकी पोषण गुणवत्ता हो, चाहे उसका प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज वृद्धि हो, इन गुणों को लेकर उत्परिवर्तन के द्वारा नई किस्में उत्पन्न की जा सकती है। भारत के अंदर बात करें अपन, भारत के अंदर उत्परिवर्तन प्रजनन का प्रारंभ 1935 के अंदर हुआ था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 1959 में प्राप्त हुई, जब कोलकाता में प्रथम गामा उद्यान की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1960 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IERI नई दिल्ली में भी गामा उद्यान की स्थापना की गई। वर्तमान में कई स्थानों पर उत्परिवर्तन प्रजनन का कार्य संपन्न किया जा रहा है, जिसमें कुछ प्रमुख केंद्र इस प्रकार है, जैसे बाबा एटॉमिक एनर्जी संस्थान मुंबई के अंदर, इसी प्रकार बोस अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में रेडियो समस्थानिक प्रयोगशाला भी कार्यरत है। इस कड़ी में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो गेहूँ के अंदर MS स्वामीनाथन और उनके साथियों द्वारा किया गया, जिन्होंने उत्परिवर्तन के द्वारा गेहूँ की सरबती सोनारा जो किस्म है उसका विकास किया गया, और ये किस्म भारत में हरित क्रांति का एक आधार बनी। उत्परिवर्तनी उपचार, ये उपचार प्रायः 3 प्रकार का होता है। पहला है छिद्रान्वेषी, दूसरा दीर्घस्थायी, और तीसरा पुनरावर्ती। जब उत्परिवर्तन जो जन है, उत्परिवर्तन या म्यूटेजन, जिस पदार्थ के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उसकी यदि संपूर्ण मात्रा कम से कम समय में और एक ही बार में अगर प्रयुक्त की जाए तो उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। दूसरा है दीर्घस्थायी, जिसके अंदर उत्परिवर्तन की संपूर्ण मात्रा लंबे समय के लिए उपयोग में लाई जाए, जो एक ही पौधे के पूरे जीवन काल तक जारी रहती है, उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा दी जाती है लंबे समय के लिए, और जब तक ये मात्रा जारी रख जाती है जब तक उसका जीवन काल पूरा नहीं हो जाए। थर्ड आता है पुनरावर्ती उपचार,
पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना। जब उपचार को दो या उत्तरोत्तर पीढ़ी के अंदर दोहराया जाए, उदाहरण के लिए M1 जो पीढ़ी है पहली म्यूटेशन फर्स्ट पीढ़ी, उसके बाद M2 में भी वही उपचार दिया जाए नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, उसके पश्चात नेक्स्ट जो पीढ़ी है M3 उसमें भी वही उपचार दिया जाए, फिर M4 में दिया जाए, तो इस प्रकार के उपचार को पुनरावर्ती उपचार कहते हैं। अब आता है उत्परिवर्तन प्रजनन की क्रियाविधि, कैसे इसका प्रोसेस किया जाता है, किस प्रकार मेथड है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है उपलब्ध विभिन्नताएं। तो पहले ये देखा जाता है कि उस किस्म उस फसल के अंदर कौन कौन सी विभिन्नता पहले से उपलब्ध या उपस्थित है, उनको देखा जाता है। फिर आता है उत्परिवर्तन तथा प्रजनन की प्रकृति, उसके ऊपर कौन सा उत्परिवर्तन प्रभावी हो सकता है और उसके अंदर किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। फिर आता है थर्ड नंबर, वांछित परिवर्तन का प्रकार। वांछित परिवर्तन के अंदर जो पादप प्रवर्धक है उसको उत्परिवर्तन से उपचारित किया जाता है, और उपचारित करने के बाद निम्न क्रियाविधि के द्वारा उत्परिवर्तन प्रजनन संपन्न कराया जाता है। अब वो विधियाँ अलग अलग होती है, जैसे स्वपरागित फसलें हैं उसमें प्रथम उपचारित पीढ़ी M1 पीढ़ी काम लिया, जिसमें अपन पहली बार उत्परिवर्तन जन का प्रयोग किया, उसके बाद उस वापस उसे अगली पीढ़ी के लिए उगाया गया, तो जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो हुई M2 पीढ़ी। फिर इसके पश्चात और प्रयोग करते गए तो अगली पीढ़ी M3, ऐसे करके आगे से आगे इसमें उत्तरोत्तर उत्परिवर्तन पीढ़ियाँ प्राप्त होती जाती है, और लास्ट में इनका उपज के लिए परीक्षण करके इसे किस्म के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जो परपरागित फसलें हैं उसमें इस प्रयोग को M1 M2 के हिसाब से अपन प्रयुक्त कर सकते हैं, और कायिक परिवर्तित फसलें हैं उसमें भी उत्परिवर्तित प्रजनन को काफ़ी हद तक प्रयुक्त किया जा सकता है। इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन की क्रियाविधि, जिसके अंदर जो पहली पीढ़ी है उसके अंदर अपन कहेंगे उसे M1 जनरेशन, जिसमें सिलेक्शन किया जाता है म्यूटेशन का, जो उसमें उत्परिवर्तन उपचार दिया, उसके बाद जिस पौधों के अंदर उत्परिवर्तन हुआ उनका चयन करके उन्हें उत्परिवर्तियों को वापस अगली पीढ़ी के लिए उपाया जाता है, तो वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वाले हैं वो ब्लैंक है, और जो दूसरे हैं म्यूटेंट्स वो बिल्कुल ब्लैक है। तो इनका चयन करते करते अपन बिल्कुल अलग इनको उत्तरोत्तर पीढ़ियों के द्वारा इनको बिल्कुल आइसोलेट कर सकते हैं कि वो सारे जो भी है वो टोटली म्यूटेंट्स है, और नॉर्मल जो वेरिएंट्स है इनको अलग कर दिया जाता है। तो म्यूटेंट्स का उत्तरोत्तर पीढ़ियों में चयन आवश्यक है। अब आता है उत्परिवर्तन प्रजनन के अनुप्रयोग व उपलब्धियाँ। तो इसमें बिंदु उत्परिवर्तन का उपयोग किया जा सकता है, जो स्वपरागित फसलों के लिए जैसे कोई भी दोष है उसका लोप किया जा सकता है, इसी प्रकार सूक्ष्म उत्परिवर्तन के द्वारा भी सुधार किया जा सकता है। उत्परिवर्तियों का संकरण में प्रयोग किया जा सकता है, परपरागित फसलों में इसे महत्वपूर्ण लक्षणों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कायिक परिवर्तित फसलों के अंदर उपयोगी वांछित लक्षणों के विकास और वांछित किस्में उत्पन्न की जा सकती है। गुणसूत्री उत्परिवर्तन है, उसका उपयोग बहुगुणिता के अंदर किया जा सकता है, स्थानांतरण का संबंधित जातियों और वंश से गुणों को स्थानांतरित करने में प्रयोग किया जा सकता है, विशिष्ट प्रजनन उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है, अवांछित संलग्नता को तोड़ने में किया जा सकता है, एगुणितों का उत्पादन, इसके साथ कायजमा आवृत्ति को बढ़ाना या घटाना और नई आनुवंशिक विभिन्नता का निर्माण, इसमें उत्परिवर्तन का उपयोग किया जा सकता है। उपलब्धियाँ, भारत में उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा कुछ मुक्त महत्वपूर्ण किस्में जैसे गेहूँ की NP 836, सरबती सोनारा, मटर की हंस किस्म है, चावल की जगन्नाथ है, HT60K84, MH95, इसी तरह कपास, जूट, टमाटर, मूंगफली, क्राइसेंथिमम के अंदर कई किस्में उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। अब लास्ट आता है उत्परिवर्तन प्रजनन की सीमाएं।
इसे विशिष्ट सुविधाएं जैसे यंत्र और प्रयोगशाला का होना आवश्यक है, जो कि बहुत महंगे होते हैं, हर कहीं संभव नहीं होते। अधिकतर उत्परिवर्तन या प्रभावी होते हैं जिनकी पहचान लगभग असंभव होती है। कभी कभी घातकता भी लाभदायक उत्परिवर्तन के गुणन में बाधक होती है, और अवांछित उत्परिवर्तन है उनका जो प्रभावी चयन है वो अति आवश्यक है। इस प्रकार उत्परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है पादप प्रजनन के लिए। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया।